हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको तिरुपति बालाजी के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। इस मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति है, जिसे भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तिरुपति बालाजी के कई सारे रहस्य ऐसे हैं जिनके जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल असली हैं। उनके बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और वे हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी को नहीं पता। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है जो कि हजारों सालों से ऐसे ही जल रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह दीपक बिना तेल के जल रहा है। मंदिर के गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है, पर फिर भी मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि काफ़ी रहस्यमयी बात है। और उससे भी बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे समय समय पर पुजारी पहुँचते रहते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति में कानों के पास अगर ध्यान से सुना जाए तो समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी विचित्र बात है। तिरुपति बालाजी मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इसी गांव से मंदिर के लिए फूल, फल, घी आदि आता है। इस गांव में भारी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है और इस गांव के लोग काफ़ी पुरानी जीवन शैली का उपयोग करते हैं। परिचय कपूर एक खास तरह का कपूर होता है, जिसे पत्थर पर लगाने पर पत्थर कुछ टाइम बाद चटक जाता है। मगर इस कपूर को भगवान की मूर्ति पर जब लगाया जाता है तो इसका मूर्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हीं सब रहस्यों के कारण तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक है।